अस्सलाम वालेकुम मौजीज नासरीन, एशियन टीवी न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। जुनेतुल्ला करीमनगर तेलंगाना का आज एक तहनीती प्रोग्राम यहाँ मदरसा अशरफुल उलूम अहमदपुरा करीमनगर में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से उलमा और हुफ्फाज की तहनीत और उनकी तैयारी कराने वाले असातिज़े किराम की तहनीत और शालपोशी की गई है। दरअसल ये प्रोग्राम इसलिए मुनक़िद हुआ था कि बहुत से वो उलमा व हुफ्फाज जो एसएससी का इम्तहान नहीं दे सके थे, ओपन स्कूल टॉस की जानिब से असातिज़े किराम उनको बाज़ाब्ता वक्त निकाल कर रोज़ाना क्लास ले रहे थे। एक काफ़ी मेहनत हुई है रमज़ान से पहले और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिज़ल्ट आया है और 20 से 25 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एसएससी में कामयाबी हासिल किए हैं। इस कामयाबी के हासिल करने के बाद उनका एक तहनीती एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे रियासत के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ पीर खलील अहमद साबिर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हम गुजारिश करेंगे कि वो आपके सामने इज़हार ख्याल फरमाएँ। आज ज़िला करीमनगर जमीतुल्मा की जानिब से जो तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे थे उन तलबा को एसएससी का एग्ज़ाम दिलाया गया और वो बच्चे कामयाब हुए और आज एक इजलास उन बच्चों की तहनीत और उन असातिज़ा की तहनीत जो उन बच्चों की तैयारी के लिए मेहनत की उनका आज प्रोग्राम था। आज इसमें शामिल होने के लिए हैदराबाद से हमें मुफ्ती साहब की कहने पर तशरीफ़ लाया और बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 तलबा जो यहाँ पर मेहनत करके पास किए हैं एसएससी पास किए हैं और इसके पीछे यहाँ के असातिज़ा और हमारे उलमा इकराम और जमीयतुल्लमा करीमनगर की मेहनतें हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तलबा को और उन असातिज़ा को और ये उलमा इकराम को जिन्होंने उनकी उनको कामयाब बनाने के लिए मेहनत किया है। एक अच्छा अमल है, पूरे रियासत के लिए एक नमूना है, यहाँ से शुरू हुआ है जो तलबा के लिए ये अच्छे मौक़े हैं जिसमें एसएससी इंटर और आगे के कॉलेजेस कोर्सेस वोकेशनल कोर्सेस वगैरह कर कर वो तालीम से अच्छी तरह आरास्ता कर कर मुल्क के लिए अच्छे शहरी बनेंगे और आइंदा जो मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए काम आएंगे। ये बहुत खुशाइन बात है और ऐसा मॉडल यहाँ करीमनगर में जमीयतुल्लमा करीमनगर ने पेश किया है, बहुत खुशाइन बात है और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की जमीयत के ज़िम्मेदारों का जिन्होंने ये मेहनतें करके इन बच्चों को